को ना 1992 से देख रहा हूँ, बल्कि 87 से देख रहा हूँ ना। इमरान खान जब तक थे ना, तब तक टीम परफेक्ट थी ना। उसके बाद या पाकिस्तान का सिस्टम ऐसा हो गया कि हर मामला पे पर्ची सिस्टम चल रहा है। हाँ क्या बात है, तुम्हारा मिल गया। हाँ इंडिया का मैच देखा, देखा इतना गुस्सा है कि टीवी तोड़ दी, तोड़ दी ऑस्ट्रेलिया वालों को। ऐसे मैच खेलते ही है, लाखों रुपए खर्च कर दिया एक एक बंदे के ऊपर, करोड़ों रुपए खर्च कर दिया। वो फिर बैठ के देखा नहीं, एक मैच बॉल नहीं खेल पा रही है। तो उनका ये नसीम शाह रो दिया तो और वो बेहतर लगा, वो परफॉर्मेंस यार बेहतर लगा। लेकिन क्या पेप्सी का टेस्ट है यार, तो ये अल्लाह की मार है इन पे। मैं बाबर का बहुत बड़ा फैन हूँ और बाबर के खिलाफ कोई बोल देता है ना तो समझो मेरी उससे लड़ाई हो जाती है। गपशप टीवी की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सके। जैसे पाकिस्तान इंडिया के दरमियान मैच हुआ, देखा आपने मैच? जी जी बिल्कुल। इतने बड़े गंदे तरीके से हारा, बस पाकिस्तानी टीम का एक ही हल रह गया, या तो इनको मनोड़ा लेकर आओ, मनोड़ा लेकर जमीन के खेत करवाओ और इनको बीच समंदर में ले जाकर ना गरक कर। तो काकोल में तो ट्रेनिंग भी तो इन्होंने किया। क्या चीज? काकोल में जाकर आर्मी के दरमियान ट्रेनिंग भी तो किया। ट्रेनिंग करके क्या करेंगे, ट्रेनिंग की नजर आ रही है इनकी, कितनी ट्रेनिंग की हुई है बगैर। तो यूएसए से क्यों आ रही है वजह? हैं यूएसए से क्या आ रही है, देख लो टीम की परफॉर्मेंस देख लो, हर जगह से हार रही है। वो तो अभी नई टीम बनी थी। बाबर को कैप्टनिंग संभालना चाहिए या बढ़िया? बाबर क्या, बाबर की जगह कोई भी है, कोई भी मेरे हिसाब से तो अभी सबों को जो है ना, लोग तो कहते हैं किंग है बाबर। किंग था पर वो हर वक्त होता है, उसका वक्त था मेरे ख्याल से, अब वक्त पूरा हो गया मेरे हिसाब। किसको आपकी नजर में पाकिस्तान टीम में किसको चांस देना चाहिए था? यार पाकिस्तानी टीम में जो है अब कोई नए लड़के आए, नए चेहरे आए तो ज्यादा बेहतर। चाचा के बारे में क्या कहेंगे? इफ्तिखार चाचा, इफ्तिखार चाचा के बारे में क्या कहेंगे, चल जाए तो चांद तक, नहीं चले तो बस। चाचा कैसे आप? कैसे से इंडिया पाकिस्तान के दरमियान मैच हुआ, 120 रन नहीं बना पाया जी, शर्म आनी चाहिए उनको। ये जो टीम जो भेजी है ना, यकीन करो सिर्फ सिफारिश के अलावा कुछ भी नहीं। सिफारिश है, टोटल सिफारिश है यार। कौन है बता दो? तीन बैट्समैन है, फकर को चलो मानते हैं, फकर आलम हो गया, रिजवान हो गया और इफ्तिखार चल गए तो चल गए। चाचा और कौन है बताओ, टीम है आप बता दो। पाकिस्तान टीम तो इतना मेहनत करके गई है वर्ल्ड कप, जो और में ट्रेनिंग भी किया गया, अच्छे जो अच्छे बैट्समैन थे उनको तो बाहर कर दिया यार, उस मोटे को ले गए बाबर। वो क्या नाम है, आजम खान, आजम खान बताओ, ना भाग सकता है ना कुछ कर सकता है। सुपर एट के लिए क्वालिफाई कर लेगा पाकिस्तान? सवाल ही पैदा नहीं, तो लगा लो शर्त, बाहर बिल्कुल बाहर। कैसे एलन मारेगा? जी जी देख लेना मेरी आवाज को ना, एलन मारेगा। और इंडिया के दरमियान मैच वो आप भी देखे, हर गया पाकिस्तान, क्या कहेंगे? मैं क्या कहूँ, मुझे शौक नहीं मैच का, देखता ही नहीं, मैं देखता ही नहीं। क्या राय लगते है जी, क्या राय लगते है फिर भी? मेरे को नहीं पता सर, मैं नहीं पता। क्या बात, क्या साहब, पाकिस्तान इंडिया हर गई मैच, क्या कहेंगे? अभी मैं काम कर रहा हूँ, लेडीज खड़ा है। अच्छा अच्छा, क्या बात, पाकिस्तान इंडिया मैच हर गई? पता नहीं भाई, देखा ही नहीं मैच? नहीं मैं देखा ही नहीं। क्या बात, पाकिस्तान इंडिया के दरमियान मैच हुआ, पाकिस्तान हार गया, 120 रन का चेस कर नहीं पाए, क्या कहेंगे? तो मैं देखता नहीं, मेरे को इतना शौक नहीं, मैच देखते ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं देखता। क्या बात है, बस ऐसे कान में इतनी टाइम ही नहीं मिलता था तो कहाँ से देखेंगे मैच? मैच देखा ही नहीं आपने? जी मैच देखा ही नहीं। मैच देखा आपने? हाँ मैंने देखा है। क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे भाई, इनको क्या बताए, जिन्होंने ट्रेनिंग दी है इसमें खिलाड़ियों का कोई कसूर नहीं है, इसमें हमारे बड़ों का कसूर है। किस बड़े का कसूर? बस ये तो इशारा ही काफी है उनके लिए। आपको क्या लगता है, सुपर एट के लिए पाकिस्तान टीम क्वालिफाई कर सकता है? यार पाकिस्तान जो है ना हर साल जो है ना दुआओं पे चलता है, हम लोगों के, हम आवाम जैसे तैसे पहुंच ही जाते हैं, जैसे तैसे पहुंच ही जाता है। लेकिन हम बात यह है कि अगर अमेरिका और इन टीमों से जो है ना हम हारेंगे, छोटे मोटे टीमों से, तो फिर तो हमारे यूएसए से तो पाकिस्तान इस वजह का हरा कि वो IMF से हमने कर्जा लेना है, मगर इंडिया से क्यों हो रही है समझ नहीं आया यार। असल में मसला है ना, इंडिया से भी तो डीलिंग हो चुकी है ना। क्या चीज की डीलिंग? बस पैसों के, क्या चीज के? हाँ इसमें खिलाड़ियों के कोई कसूर नहीं है। किसका कसूर है? बस मैंने आपको बता दिया, इसमें जो हमारे बड़े बैठे हुए ऊपर के, क्या चीज की? अब आप समझते हो। देखिए जी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो मैच हुआ था, पाकिस्तान बहुत ही बदतरी यानी कि हार गया, और आवाम बोलती कि मैं देखा ही नहीं मैच। देखा
मैच, लेकिन इनको जरूरत है थोड़ी प्रैक्टिस की। अच्छा, तो ट्रेनिंग लिए ना यार, इनको किसी चीज और चीज की प्रैक्टिस, किसी चीज की जरूरत बस आप छोड़ो। नहीं कहीं ना, क्या चीज की जरूरत? अब आपने मैच देखा, आपको मालूम पड़ गया होगा कि कैसा मैच इन्होंने खेला। अच्छा जी, क्या बात है चाचा, इंडिया पाकिस्तान के दरमियान मैच हुआ जी, यूएसए से भी बढ़ता एकदम गंदे तरीके से आ रहा है। इंडिया 120 रन का टारगेट दिया, बहुत कम था, तो क्यों नहीं बनाया चाचा? अब ये तो इनसे पूछो ना, क्यों ये कोई हो सकता है उनका कोई गेम हो? अच्छा जी, हो सकता है यूएसए से, तो हमने इस वजह करा रहा कि आईएमएफ से मत कर्जा लेना, इंडिया से क्यों हार गया वजह? हो सकता है इनसे भी कोई डील हो गई हो। मैच देखा आपने? नहीं देखा ही नहीं, नहीं। आप भी वही कह रहे हैं कि पाकिस्तान इंडिया के दरमियान मैच हुआ, लोग छुट्टी कर लेते हैं जॉब, छुट्टी करते हैं ना, हम लोगों में से नहीं है। आप मैच देखा ही नहीं? देखा, ये झूठ बोल रहे हैं। 120 पे इंडिया आउट हो गई है। अच्छा जी, ये क्या कहेंगे वैसे? क्या कहेंगे लास्ट? क्या कहेंगे, जो होना तो हो गया। आप लगा आपको इंडिया क्यों हुआ? इंडिया तो 120 रन का टारगेट दिया, पाकिस्तान चेस नहीं करना। भाई मैं तकरीबन क्रिकेट को ना 1992 से देख रहा हूँ, बल्कि 87 से देख रहा हूँ, ठीक है ना। इमरान खान जब तक थे ना, तब तक टीम परफेक्ट थी, ठीक है ना। उसके बाद या पाकिस्तान का सिस्टम ऐसा हो गया कि हर मामला में पर्ची सिस्टम चल रहा है। जो टैलेंटेड है ना, जो मौजूद कराची में, उनको इस्तेमाल यूज नहीं किया जा रहा है, साफ बात ये। अभी काकोर से तो ट्रेनिंग करके गया पाकिस्तानी टीम, क्या अच्छा परफॉर्मेंस देगा, मगर परफॉर्मेंस तो कुछ नजर नहीं। ट्रेनिंग करने गया ना, तो आया कैसे? पर्ची लेके आया ना, सिफारिश पे आया ना, टैलेंट आ गया पाकिस्तान का। ये पाकिस्तान सिर्फ नाम है, पाकिस्तान सिर्फ नाम है, ये पंजाब की टीम है, पाकिस्तान की नहीं है। एक बात बताया, सुपर एट के लिए क्वालिफाई कर लेगा पाकिस्तान? बहुत मुश्किल है, इन लोगों के ऊपर भरोसा ही नहीं रहा। ये पाकिस्तान का नाम रोशन करने नहीं। संडे वाले दिन आपने छुट्टी किया होगा, आपने देखा वो वजीर आला सिंह ने क्या बोला, क्या आईएमएफ से जो मायदा हुआ है, हमने उनको बोला था कि भाई हार जाओ, हमें कर्जा लेना है, वो बयान सुना आपने? तो पाकिस्तान टीम को कौन से खिलाड़ी को चेंज करना चाहिए? पूरी टीम को फैक्टर, नई टीम को लेके आए। कौन से नई टीम में? कौन टीम के लड़के? जो लड़के नए हैं ना कराची में, जो टैलेंट है ना, पूरे पाकिस्तान में नहीं है। हाँ, क्या बात है, देखा? अच्छा गुस्सा आया कि चीज की भी तोड़ दू, यूक्रेन का सर फोड़ दू, पोस्टियारों का ऐसे मैच खेलते ही है, लाखों रुपए खर्च कर दिया, एक एक कुंडे के ऊपर करोड़ों रुपए खर्च कर दिया, भोसड़ी बैठ के देखा नहीं, एक मैच कौन नहीं खेल पा रही है, एक बॉल नहीं खेल, एक ही क्वालिफाई करेगा पाकिस्तान। अरे बेकार है भाई सब, क्या कह रहे थे आप? कुछ भी नहीं करेंगे, करना ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं होगा। ये इनको निकाल के फेंक दो, ये पैसा बर्बाद कर रहे हैं आवाम का, समझे ना। और हमारे दिल अलग तो हो रहा है, फायदा क्या, काम हमारा अलग। सरफराज अहमद कराची का लड़का था, वो था थोड़ा बहुत उसमें टैलेंट था, था उसमें, ऐसी बात नो डाउट। ट्वेंटी वर्ल्ड कप को नंबर वन पे लेकर आ गया था, बिल्कुल बिल्कुल नो डाउट। तो बाबर आजम को लोग कहते हैं किंग है बाबर आजम, अरे ये सब पंजाब के खाने वाले हैं भाई, बेकार है पंजाब की टीम है। पाकिस्तान कहाँ है मुझे बताओ, पाकिस्तान है कहाँ मुझे तो पहले ये बताओ, पाकिस्तान कहाँ है? अब ये बताओ कहाँ है पाकिस्तान? देखिए जी, पाकिस्तान का काम लेके जाओ इधारे के अंदर, अफगानिस्तान की टीम से सीखे ये लोग, अफगानिस्तान सबसे लेट आई है, लेकिन इन लोगों ने जो गेम पेश किया है, अपने आप को प्रूव किया है, तो या बिल्कुल अपनी कंट्री के लिए गेम खेलते हैं वो, हालांकि वो अपनी कंट्री उनको एक्सेप्ट भी नहीं करती, फिर भी वो अपनी कंट्री के लिए गेम खेलते हैं वो। पाकिस्तान क्वालिफाई करेगा सुपर एट? यार ये तो मैं तो कहता हूँ कि अंडर 19 की टीम उतारे और उन्हें खिलाएं, या बाबर वाबर रिजवान को, रिजवान तो ऐसा बिल्कुल लोगो लगाता है, कभी टैप लगा के आता है, और KFC का इन्होंने ऐसे लेवल लगा के PSL खेला है, बिल्कुल नौटंकी है रिजवान। अगर ये मुझे बताया पाकिस्तानी टीम को कौन सा कैप्टन आपको बेहतर लगता है? सरफराज हमारा सबसे बेस्ट कैप्टन है, तो हटा दिया ना, सरफराज जैसी चॉइस ही नहीं है, टीम को लेके चलता है। सरफराज ने जो परफॉर्मेंस दिया पाकिस्तान के लिए, वैसी परफॉर्मेंस कोई नहीं दे सकता है, वो मुल्क के लिए खेलता है और कोई नहीं खेलता, सब पैसों के लिए खेलता है। और ये हमें तो ये जो इन्होंने अपना क्या नाम, इन्होंने रो दिया था, क्या नाम था उनका, ये नसीम शाह रो दिया तो, और वो बेहतर लगा, वो परफॉर्मेंस यार बेहतर लगा, लेकिन क्या पेप्सी क्या टेस्ट है यार, तो ये अल्लाह की मार है इनपे, ये अल्लाह की मार है इनपे। तो ऐड कर दिया था, देखिए जी नाज़रीन, पाकिस्तान इंडिया के दरमियान जो मैच हुआ था, पाकिस्तान बहुत गंदे तरीके से रहा, ये आवाम का जो जोश और जज्बा था जब मैच के दरमियान, यही लोग तारीफ कर रहे थे, मगर अभी हार गए तो लोग अफसुर्दा भी आया, लोगों को जानते हैं जीतते भी ना, फिर भी ये बेकार टीम है, ये पर्चियों पे क्यों, मेरिट पे क्यों लेके नहीं आते, ये समझते मेरिट? भाई देखा आपने, मैं देखते ही नहीं, नहीं नहीं नहीं, नहीं।
बेहतर समझते हैं पाकिस्तानी टीम? नहीं नहीं बिल्कुल बेहतर नहीं समझते, सब बच्चे बोल रहे हैं बस खेले ही नहीं है, सब बच्चे बोल रहे हैं हमारे बच्चे कल दुकान बंद कर दी, पापा सुबह पूछा बोला हार गए यार, ये कुछ नहीं 120 रन बॉल पे 120 रन भाई, मैं तो बोलता हूँ बच्चों का दिल टूट गया भाई, बच्चों का दिल टूट गया, टाइम पर बात किया लोगों ने कल पूरा दिन दुकान बंद कर दी, सुबह पता चला हार गए भाई, ये कोई तरीका थोड़ा ही है। अल्हम्दुलिल्लाह। पहचाना आपने? नहीं। पाकिस्तान इंडिया का मैच देखा था? नहीं, मैं मैच देखता ही नहीं हूँ भाई, मैं दिल ही नहीं करता मैच देखने का, अपने काम से फुर्सत मिलेगा तो कुछ देखेंगे ना, मैच से कोई तवक्का ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्या कहेंगे वैसे इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान मैच हुआ, 120 रन, 120 बॉल पे 120 रन चाहिए जी, बहुत गंदे तरीके से आ रहा है, क्या कहें, क्या कह सकते हैं, बस यही कह सकते हैं, अफसोस कर सकते हैं। आप तुम तो देखते हो मैच ना, वैसे मैच देखते ही नहीं हो, पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ आप देखे हो क्या? नहीं, आप तक अभी देखते ही नहीं हो, कोई तवक्का नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। क्यों, पाकिस्तान हर जाती इस वजह से? नहीं, गुड एफर्ट की इस बार तो पाकिस्तान, गुड एफर्ट क्या किया? मतलब अच्छी बॉलिंग कराई और बहुत अच्छा चल रहा था, फिर उसके बाद छुट्टी किया था क्या काम का? नहीं, छुट्टी तो नहीं किया, बस एक बहुत उम्मीदें लगा के बैठे थे, वो सारी उम्मीदें पानी में चली। देखिए जी, पाकिस्तान इंडिया के दरमियान जो मैच हुआ, ये नौजवान जो है वो कहता है कि हमने मैच नहीं देखा, मगर अभी हल्के हल्के बात करते हुए समझ आ रहा है कि मैच देखा, इस वजह कर ये अफसुरता है, क्या कहेंगे भाई? भाई यही कहेंगे कि 10 MH लोग सीधा चल लेते, जैसे ही वो ड्रिंक से खाया गेम घूम गया पूरा, हमारी आवाम पैसे खाने में पूरी है। वो आवाम क्या पैसा? ये पाकिस्तान गंजा बेटा नवाज शरीफ, वो पैसे खाने में पूरे भाई, पाकिस्तान इतनी अच्छी टीम है कितनी नीचे आ गई है, पर 8 के लिए क्वालीफाई करेगा नहीं कर सकेगा, पैसा लिखा हो पाकिस्तान नीचे आया था, यूएसए से भी हार गया, यूएसए से भी हार गया, हाँ सबसे हार गया, यूएसए जैसे से हार गया यार, इतनी हल्की टीम से हैरत हो रही है यार, गली मोहल्ले का टीम नसीम शाह शाहिन शाह आफरीदी ऐसे बॉलर किसी के पास भी नहीं है, फाइट कर सकती थी इंडिया से भाई, आपको कितना 120 रन का टारगेट मिला था? नहीं देखे थे आप? अलहमदा देखा था, करे होगी जॉब का? नहीं नहीं जॉब पे देखा था, यहीं पे बैठ के छुट्टी करते तो फिर रोते आते हम लोग, ये जब आमिर और नसीम शाह आउट कर रहा था जुनून और जज्बा से, ये जब बैटिंग आई तो 10 ओवर के बाद जज्बा खत्म हो गया, गेम घूम गया पूरा, टीवी वगैरह मोबाइल वगैरह तोड़ने का दिल कर रहा था, क्या इनके पीछे मोबाइल तोड़ेंगे यार अपना 24-25 हजार रुपए का। इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ, देखा आपने? नहीं, मैच ही नहीं देखा हमने, क्यों? टाइम ही नहीं मिला देखने का, पता तो चला होगा पाकिस्तान हार गया, वो तो माशाल्लाह से हार गया, जैसे हारता है उसी तरह। क्या आपने मैच देखने के बाद अभी झूठ कह रहे हैं कि नहीं देखा ही नहीं है हमने? क्या कहेंगे इसमें, इसकी इतने पैसे लगाकर काकोर में जाके आर्मी ने ट्रेनिंग दिया है ना, ये खत्म कर देनी चाहिए क्रिकेट टीम ही, खत्म कर देनी चाहिए, पैसा बचेगा पाकिस्तान का, किसी और मत में काम में ले लें, उसके एनर्जी की मत में ले लें, या वाटर की इसकी ले लें, जो प्रॉब्लम है लोगों की, ये तो अय्याशी का काम है और अय्याशी ही कर रहे हैं लोग, खेल थोड़ी रहे हैं। तो वैसे कोई पाकिस्तानी टीम क्रिकेटर के ऊपर कोई एक्सपीरियंस किसके ऊपर है? सभी सुपर 8 के लिए कोई पाकिस्तान टीम क्वालिफाई कर लेगा? सुपर 8 बहुत मुश्किल है, मुझे तो मुश्किल लगता है बहुत, जिस तरह खेल रहे हैं इस हिसाब से तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि अय्याशियां खत्म कराएं तो ये आगे कुछ कर सकते। क्या लगता है आपको पाकिस्तानी टीम में कैप्टन कौन से बेहतर आपको लगता है कि ये कैप्टन होना? कैप्टन तो किसी को भी बताते हैं, टीम का ये हाल होना ही होता है एंड में, अच्छे से अच्छा लिया है, बाद में सरफराज था कैप्टन, अच्छा था, T20 वर्ल्ड कप को नंबर वन पे लेकर आया, लेकिन उसका क्या असर किया? तो ईमानदार बंदे की भी इसमें जगह नहीं है ना, गुंजाइश है, ऐसा ही है भाई। मैच देखते हो आप? देखते हैं। क्यों दिल खराब? मैच नहीं दिल खराब हुआ भाई, क्यों? कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है मैच में, क्या देखेंगे यार, पता तो चला होगा ना, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान मैच होती है तो लोग जोश और जज्बा से देखते हैं, वो जोश और जज्बा जब तक होता है जब तक टीम अच्छा खेले, जब तक कोई परफॉर्मेंस नहीं है देखने का कोई फायदा नहीं है, मजीद लोग LCD तोड़ रहे हैं अपने, लास्ट मोमेंट पे मैच का रुख ही चेंज हो गया था, मतलब मैच बहुत अच्छा था, लेकिन जिस तरीके से ईमानदारी से पता मैच देखे तो मैच देखा था, जब इंडिया जब बैटिंग कर रही थी तो पाकिस्तानी बॉलिंग अच्छी कारकर्दगी दिखा रहा था, बॉलिंग नो डाउट थी, जज्बा और जनून से देख रहे होंगे, बिल्कुल बिल्कुल, पाकिस्तान की बैटिंग आई तो जज्बा और जनून वो खत्म हो गया, वो परफॉर्मेंस ही खत्म हो गई, यानी कि जो होता है ना कि अपने ऑपोजिट पार्टी के खिलाफ जो खेलना होता है मैच, वो नजर नहीं आया, वो ये होता है ना जज्बा खुद टीम के अंदर, जैसे अब मैं हूँ, मैं खेल में हूँ, मैं सामने वाले की तसल पे कैसा काम करूंगा, उनसे बेहतर करने की कोशिश करूंगा, लेकिन हमारी टीम में ऐसा नहीं है। बेहतर क्या लगता है आपको पाकिस्तानी टीम में, कैप्टन कौन सी होनी चाहिए? यार ये सलसली बात है, वैसे सरफराज की कैप्टनी अच्छी थी, इसके अलावा कोई बेहतर नहीं? बेहतर है क्यों नहीं, आपने मेरा पॉइंट ऑफ व्यू पूछा तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सरफराज।